आप सभी का स्वागत है रवि जॉन फार्मिंग लीडर में। मैं रवि त्यागी आपका होस्ट एंड दोस्त। मेरे सभी बुजुर्ग और किसान साथियों को मेरा राम राम। तो किसान साथियों, आज जो मेरे किसान भाई बैकयार्ड पोल्ट्री कर रहे हैं उनके लिए एक ऐसी मशीन के बिल्कुल वरदान जो साबित होगी, बहुत सस्ते में वो अपने घर पर ही चूजा तैयार कर सकते हैं और कमा सकते हैं बहुत अच्छा मुनाफा। तो चलिए जानते हैं। बुला दे डर, कुछ अलग कर। किसान साथियों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे रवि जॉन फार्मिंग लीडर में। सामने जो किसान भाई देख रहे हैं उन्हें आप एक बार अपना और अपने संस्थान का परिचय दें। जी, मैं सर डॉक्टर प्रमोद मड़के, पशु वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केंद्र बाबूगढ़ हापुड़ से कार्यरत हूँ सर। और इस पोस्ट में मैं अभी कम से कम 12 साल में यही कार्यरत हूँ। तो आपने जो ये अंडों से चूजे निकालने वाली मशीन बनाई है, इसके बारे में हमारे किसान भाई को थोड़ा अवगत कराइए कि ये मैनुअल जो मशीन है ये किस तरीके से काम करती है और कितने अंडे तक ये बच्चे निकाल सकती है। जी सर, ये सर हमने जो ये कम लागत वाली मशीन है इसमें लगभग 1000 रुपये तक खर्चा आता है। मेन खर्चा तो जो है इसका, जो एक तो एग्जॉस्ट लगा हुआ है और बल्ब का कनेक्शन है, और ये जो बॉक्स है लगभग ये 100 रुपये या 150 रुपये में आ जाएगा। इसमें कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है। और इसमें नीचे में एक ट्रे रखा है जी, तो ये जो ट्रे है ये इसमें पानी रखा जाता है और ये इसमें अंडे रखे जाते हैं। इसमें लगभग 50 अंडे से आप चूजा निकाल सकते हो। और एक इसमें जर टेम्परेचर मापने के लिए आपको रखना पड़ेगा या बीच बीच में आपको टेम्परेचर मापना पड़ेगा। तो ये जो है सर, इसका अंडों का जो इंक्यूबेशन पीरियड है लगभग 21 दिन का होता है। तो उस समय इसको टेम्परेचर 37 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए, यानी 100 फ़ारेनहाइट तक। और जैसे 18 दिन के बाद इसका टेम्परेचर कम करना चाहिए, और मुझे 37 से ज़्यादा ना हो, क्योंकि 18वें दिन में क्या होता है, अंडों में क्रैकिंग आ जाती है। अंडों में क्रैकिंग आने की वजह से उसमें ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत नहीं पड़ती। उस समय आपको क्या करना है कि टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए आपको लाइट का जो रेगुलेटर है कम करिए। अच्छा, वो कम बढ़ती करना होता जी, है। कम बढ़ती जी, 18वें दिन तक उसको इंक्यूबेशन पीरियड की ज़रूरत होती है 18 दिन तक। उसके बाद थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन करना है, 36 लगाना है या 34 लाना है, जो बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है सर। अभी जैसे कि ये ट्रे है तो ये मैनुअल है जैसे, तो क्या अंडों को हमें मूव कराना होता है या तो मूव कराने के लिए भी बाहर से ऐसे हिलाना है ऐसे? अच्छा हाँ, ये रॉड है, इसके अंडर जो अंडे रहेंगे वो ऑटोमेटिक हिलेंगे सर। ये है, ये सुबह से हम आपको, और पानी जो है वो हमें नीचे की साइड में रखना है, नीचे, अंदर, हाँ, नीचे अंदर रखना है नीचे, ये जी नीचे ट्रे है उसी में पानी रखना। अच्छा, बल्ब से गर्म करना और जो है एग्जॉस्ट से हवा देना, हाँ, इससे क्या मतलब, इस क्या कम्युनिकेशन है इसका? इसका ये कम्युनिकेशन है कि जैसा टेम्परेचर यहाँ अंदर बढ़ जाता है और अंदर पानी है, तो उससे क्या होता है कि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ये ह्यूमिडिटी है 65 फ़ारेनहाइट तक होना, डिग्री होना चाहिए जी, और टेम्परेचर आपका 37 डिग्री होना चाहिए। यदि आपका टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाता है तो आपका अंडा ख़राब हो सकता है। अच्छा हाँ, तो ये मेंटेन करने के लिए आपको एग्जॉस्ट दिया है, टेम्परेचर को, ज़्यादा टेम्परेचर को बाहर निकालने के लिए। अच्छा, ये बाहर निकाल देता है जो टेम्परेचर ज़्यादा हो, बॉक्स के अंदर टेम्परेचर बढ़ गया है। तो डॉक्टर साहब, इसकी मतलब कम से कम जो इसकी लागत है वो लागत क्या आएगी? इसकी लागत लगभग आपका 1000 रुपये में ये पूरा सिस्टम तैयार हो जाएगा, बन के तैयार हो जाएगा। और अगर हम मैनुअल है ये तो, या हमारे कोई और टेक्नोलॉजी अच्छी इसमें लगाई जाए तो वो क्या होगा? हाँ, इसको ऑटोमेटिक यदि करना है तो आपको क्या करना, मार्केट से एक थर्मोकंडक्टर आता है, जैसे गीजर में हम पानी लिमिट तक होता है, उसके बाद वो ऑटोमेटिक कट हो जाता है, उसी टेम्परेचर में वो पानी हीट रहता है जी। तो उसी तरह का इसमें ही भी आप थर्मोकंडक्टर लगा सकते हो, तो उससे क्या होगा, इसकी थोड़ी सी कॉस्ट बढ़ जाएगी आपके, जैसे ये 1000 रुपये में होगा तो वो 3-3.5 हज़ार तक ही उसकी बन जाएगा। आपके ऊपर डिपेंड है कि इसमें कितना आप, मुझे आप ये बॉक्स, आप जैसे फ्रिज आती है जी, फ्रिज में हम टेम्परेचर मेंटेन ही करते 5 डिग्री, या उसमें भी वही सिस्टम होता है थर्मोकंडक्टर का जी। तो उसी तरह से आप इसमें थोड़ा सा इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसमें खर्चा है। तो किसान भाई जो छोटे किसान हैं, अपने घर में चूजा पालना चाहते हैं, तो उसके लिए थोड़ी सी कॉस्ट बढ़ जाएगी।
यदि वो नहीं करना चाहता तो ये आसानी से इस तरह के सिस्टम को लागू कर सकते हैं। तो जो बैकयार्ड पोल्ट्री हमारे किसान भाई कर रहे हैं जी जी, उन्हें आप अपनी वैल्यू एडिशन करना या चूजे अपने आप तैयार करने की जो छोटी विधि आपने बताई है जी जी, उसके बारे में और क्या संदेश देना चाहेंगे? इसमें यही बताना चाहते हैं, जो किसान छोटे किसान हैं वो बैकयार्ड पोल्ट्री करना चाहते हैं, उसके लिए एक वरदान है जी। ये आसानी से, क्योंकि सबसे बड़े किसानों को समस्या आती है कि क्वालिटी का चूजा नहीं मिलता। मार्केट में घर में सुबह सुबह चूजे बेचने वाले आते हैं, पर उनको ये पता नहीं रहता कि कौन से ब्रीड का है, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, ग्रोथ कैसी रहेगी, उसका परफॉर्मेंस की कोई ये नहीं गारंटी रहती है। इसीलिए वो क्या करे कि जैसे उनके अंडा है, घर में मुर्गियाँ है, उससे ही अपना 10-20-25 अंडा रख के उससे अपना चूजा निकाल सकते हैं और बैकयार्ड पोल्ट्री फार्म शुरू कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, आपने हमारे किसान भाइयों के लिए चूजा निकालने की इतनी अच्छी टेक्निक और बहुत ही सस्ते में ये टेक्निक बताई, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। साथियों, आपने इस वीडियो में डॉक्टर मड़के से इस मशीन की खासियत और इसकी विशेषताएं जानी और ये कितनी सस्ते में बन रही है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रवि त्यागी, रवि जॉन फार्मिंग लीडर।